तो राजस्थान के अजमेर से एक बस 21 लोगों को लेकर मुंबई पहुंची। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन से पहले अजमेर में दरगाह पर माथा टेकने गए थे, लेकिन लॉकडाउन में वहीं फंस गए। लंबे वक्त के बाद जब वो लौटे तो उनकी स्क्रीनिंग की गई, हाथों में स्टैंप भी लगा दिया गया, लेकिन लोगों का आरोप है कि मुंबई पहुँचने के बाद उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही और वो सड़कों पर ही बैठे हुए हैं। राजस्थान परिवहन की बस मुंबई पहुंची है और उन लोगों को लेकर पहुंची है जो कि राजस्थान में अजमेर में फंसे हुए थे। मुंबई पहुंचने के साथ इनके हाथों पर देखें तो होम क्वारंटीन के स्टैम्प्ड किए गए हैं, यानी कि ये जो पहुंचे हुए लोग हैं, ये इसमें से कुछ लोग पुणे जाने वाले हैं, कुछ लोग जलगांव जाने वाले हैं, कुछ लोग अन्य इलाकों में जाने वाले लोग हैं, लेकिन इन लोगों को फिलहाल होम क्वारंटीन किया जाएगा, यानी कि इन्हें क्वारंटीन रखा जाएगा और इसके बाद आगे इन्हें कुछ दिनों के बाद जो है वो घर जाने दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया गया है, जब आप लोग कब पहुँचे यहाँ पे और क्या बताया गया? रात को पहुँचे हम, रात को 11 बजे और उधर हम 2 महीना रह के आए होम क्वारंटीन में। 2 महीना हमारे को स्कूल के अंदर रोज चेकिंग को आते थे, डॉक्टर आते थे, गले के अंदर भी लकड़ी डाल के चेक किए और 6 बार ये होम वारंटी का निशान लगा चुके हैं। 11 बजे आए, खाली चेकिंग करके स्टैम्प लगाई बस। सवेरे भेजाएंगे बोले ये, हमने कहा जी ये थप्पा मारे, बोले सवेरे आपको भेजा जाएगा। राजस्थान में 2.5 महीने रहने के बाद ये जब मुंबई में प्रवेश कर रहे हैं तो पहले इन्हें अपने गंतव्य स्थानों तक जाने से पहले क्वारंटीन रखा जाएगा। क्या आप लोगों को क्वारंटीन रखने के लिए कुछ व्यवस्था की गई, रात को कुछ बताया गया? हाँ, रात को थप्पा मारने के बाद में बताया गया कि सवेरे के टाइम पे भेजाया जाएगा आपको। उधर दिल्ली के विनोद नगर के एक सरकारी स्कूल में बड़ी संख्या में मजदूर जमा है। स्कूल के बाहर बसों की लंबी कतार देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इन सभी मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके घरों तक भेजा जाना था और ट्रेन में बिठाने से पहले इन स्कूल में सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता वहाँ दिख नहीं रहा। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर इलाके के एक स्कूल के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वो स्कूल है जिसके अंदर इस वक्त जो तमाम मजदूर हैं उनकी स्क्रीनिंग चल रही है और उस स्क्रीनिंग के बाद इन सभी को बस में बैठाकर यहाँ से रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है और इन सभी के जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन हैं उनके ज़रिए इन्हें भेजा जाता है। टिकट इनको यहीं पर दिया जाएगा और ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तमाम मजदूरों को यहीं पर इसी तरीके से रखा जाता है। एक एक कर सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि किसी को कोई बुखार या कोई दूसरे लक्षण तो नहीं है और उसके बाद ही सबको फिटनेस सर्टिफिकेट देने के बाद यहाँ से बस में बैठा कर रवाना कर दिया जाएगा। यहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है, हालांकि मीडिया को गेट से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। साफ तौर पर ये कहा गया है कि मीडिया गेट के बाहर ही रहे ताकि इनसे बातचीत ना हो पाए। और ये तस्वीरें देखिए कि जो तमाम मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कोशिश यही है कि वो ट्रेन की टिकट लेकर यहाँ से अपना मेडिकल जांच कराकर आगे निकल सकें। कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात कर लेते हैं। हरदोई का नाम बड़ा है, कहाँ जाना था भैया? हरदोई जाना है। ये क्या कह रहे हैं, मना कर रहे हैं? हम मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये यहाँ नहीं मिलेगी, बस यहाँ नहीं मिलेगी। आपको किसी ने बताया था कि यहाँ से मिलेगी? जी हाँ, मैसेज आया मेरे पे। अच्छा जी, टिकट कन्फर्म आपकी हो गई है? जी सर, इस पे मैसेज आया, कह रहे थे कि वो प्रमाण पत्र लेके आना, यहीं से कंफर्म होके आपको बस मिलेगी। इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्योंकि उनको यहीं का एड्रेस मिला था। नहीं है यहाँ का एड्रेस? यहाँ नहीं, पीछे वाले स्कूल में बता रहे।